नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हरिबोल सेवा समिति द्वारा 8वें सामूहिक एकादशी उद्यापन का आयोजन। हरिबोल सेवा समिति द्वारा 8वें सामूहिक एकादशी उद्यापन का आयोजन बड़े ही श्रद्धा भाव से बल्केश्वर स्थित गंगा गौरी पार्क में आचार्य राजीव वशिष्ठ महाराज जी द्वारा कराया गया। आचार्य राजीव वशिष्ठ महाराज द्वारा एकादशी कथा का वर्णन किया गया। उद्यापन में 101 जोड़ों ने अपना एकादशी उद्यापन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ किया। गंगा गौरी पार्क में सुबह 9 बजे से ही भक्तों का आगमन प्रारंभ हो गया था। गंगा गौरी पार्क में चारों ओर लाल रंग के वस्त्र पहने श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा हो। पंडाल में 101 जोड़ों ने अपने एकादशी उद्यापन किया। आचार्य राजीव महाराज जी की एकादशी कथा सभी भक्तगण सुनकर मत पैच। पंडाल में 101 जोड़ों ने अपना एकादशी उद्यापन किया। आचार्य राजीव महाराज जी की एकादशी कथा सभी भक्तगण सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। संस्थापक ममता सिंघल ने बताया, एकादशी उद्यापन पश्चात हवन करवाया, उसके पश्चात आरती के पश्चात शय्यादान के बाद गोदान प्रावधान के बाद ब्राह्मण भोज की प्रसादी उसके बाद सभी ने की। इसके बाद भक्तजनों की प्रसादी का आयोजन भी किया गया। सभी भक्तों ने प्रसाद पाकर अपने आप को धन्य किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नितेश अग्रवाल, केशव अग्रवाल, सुरेंद्र नरूला, अशोक गुप्ता, प्रमोद अग्रवाल, जज साहब, आशा नरूला, श्री राम प्रकाश अग्रवाल, दीप्ति गुप्ता, अनिल गुप्ता, आचार्य अग्रवाल, डोली अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, विनीता अग्रवाल, आशा गोयल, अध्यक्ष भोलानाथ अग्रवाल, महामंत्री विक्की गर्ग, कोषाध्यक्ष मोहन, कार्यक्रम अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता, दीपू भाई, रामगोपाल कुशवाहा, हरीश पंजाबनी, हनी अग्रवाल, नरेंद्र अग्रवाल, रुपेश अग्रवाल, कपिल शर्मा, महामंत्री गुंजन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मीना गर्ग, मीडिया प्रभारी अंशिका गुप्ता, राजकुमारी अग्रवाल, रीशा गर्ग, रुचि गोयल, राधा अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, पूजा जैन, रेणु गुप्ता, प्रियंका शर्मा, प्रियंका वर्मा, रंजना सक्सेना, संतोष शर्मा, बॉबी अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, अंशु अग्रवाल, नीरू शर्मा और सभी पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। आज एकादशी का दूसरा दिन समापन समारोह का होता है और यहाँ पर ये देख रहे होंगे हवन भी चल रहा है, आरती भी हुई है और यहाँ पर जो गुरु जी बोल रहे हैं इनकी शय्यादान भी और गौदान भी हो रहा है और यहाँ पर बहुत भव्य दृश्य दिख रहा होगा आपको और सबको अच्छा लग रहा है। यहाँ आकर के एकादशी उद्यापन किया है जिन्होंने, उनको सबको अच्छा लग रहा है। दूर देश से आए हुए लोगों ने कहा है कि अगली बार कोई भी अगर एकादशी उद्यापन करेंगे तो हम हरिबोल सेवा समिति में ही कराएंगे। यहाँ 101 जोड़ों ने भाग लिया है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जोड़े बैठे हुए हैं सभी। 101 जोड़ों जो बैठे हैं उनकी भव्यता कितनी आ रही है। अच्छा, समापन हो रहा है, समापन किसने करा समा मैं भोलानाथ अग्रवाल, हरिबोल सेवा समिति अध्यक्ष। हरिबोल सेवा समिति हर वर्ष की भांत इस साल भी 8वां एकादशी उद्यापन भरपूर धूमधाम तरीके से मना रही है। वह एकादशी उद्यापन उन महिलाओं का होता है जिन महिलाओं के पास में पैसे का अभाव है, जिनके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं। हरिबोल सेवा समिति उन महिलाओं का ज़्यादा ध्यान रखते हुए यह एकादशी उद्यापन यहाँ पर निःशुल्क, जिनके पास पैसे का अभाव है, जिनके पैसे भी नहीं है, उन महिलाओं का आधे पैसों में भी हम लोग उनके कार को कराते हैं। तीन बार सभी बोले ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु। ऊपर से कैसे मारूं? बटन नहीं नहीं नहीं, ऐसे ले लो। अरे यार, आधा सबसे बढ़िया एंगल है ये, ऐसा करके क्या मजा आएगा ये बताओ। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।